हरे कृष्णा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की, ध्यान का क्या महत्व है, ध्यान क्यों करना चाहिए और ध्यान किसने करना चाहिए। कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि सर हमारा बच्चा जो है कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, तो उसके लिए क्या करें, हम चाहते हैं ये भाई जो है मेडिटेशन सीखे। तो एक गुरु के पास इसी तरह एक पेरेंट गए और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को ध्यान करने की बहुत ज़रूरत है गुरु जी, इसे प्लीज़ आप ध्यान सिखाइए। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, कल से आप आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों आऊँ? बोले आपको आना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप अगर ध्यान करेंगे तो बच्चे के अंदर बदलाव आएंगे। तो ये कौन सा साइंस है? मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है ध्यान सीखे और कंसंट्रेशन उसका बढ़े। तो गुरु कहते हैं कि आप ये क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी तरह ना बने। तो बोले बिल्कुल, तो वो जीवन भर तो आपके साथ रहने वाला है, इसीलिए पहले आप जो है मेडिटेशन करना सीखे, आप ध्यान करना सीखे, अपने आप उस बच्चे के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद वो भी ध्यान करना सीख जाएगा। तो इसके पीछे एक्चुअली बहुत बड़ा साइंस है गुरुजी जो बताना चाहते थे। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एक्सपेरिमेंट हुआ 2008 में और एक्सपेरिमेंट करने वाले जो थे महर्षि महेश योगी जी, इनके बारे में आप गूगल आउट कर सकते हैं। तो 2008 में भयानक मंदी आ गई अमेरिका में, और अमेरिका में मंदी आने की वजह से लोगों के जॉब चले गए और लोगों के जॉब चले गए, लाखों लोग बेघर हो गए। ओके, लाखों लोगों की जॉब छूट गई। अब क्या हुआ, जब ऐसा कुछ होता है किसी जगह पर तो वहाँ के क्राइम रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं, वहाँ लोग गलत काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्राइम रेट्स बहुत हाई हो गए इस मंदी की वजह से, इस रिसेशन की वजह से। तो उस समय में महेश जी ने क्या किया कि 1700 कुछ टीचर्स लिए और एक हॉल में एवरीडे बेसिस पर 4 साल तक, 4 ईयर्स तक के उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और मेडिटेशन सिखा कर लोगों को ध्यान करना सिखाया, और कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ध्यान करते थे वो। और ध्यान करने से कुछ हुआ ऐसा कि वहाँ के जो क्राइम रेट्स है वो अचानक उसमें फॉल डाउनफॉल देखना मिला। दैट वाज 21% वहाँ के क्राइम रेट जो है वो कम हो गए। इस एक्सपेरिमेंट का नाम बहुत ही आगे चलकर फेमस हुआ, उस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा महर्षि इफेक्ट। और ध्यान और प्रार्थना पर किया गया वो एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुआ। इस पर हजारों रिसर्चेस हुई, उस पर 9 रिव्यूज थे और 14 स्टडीज हुई थी जो महर्षि इफेक्ट को सही साबित करती थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ध्यान करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं एक सोशल वर्क भी कर रहा हूँ। हम लोग चाहते हैं ना कि समाज में ये सुधारना हो जाए, वो सुधारना हो जाए। तो अगर मैं सिर्फ ध्यान करता हूँ, मेरे ध्यान करने से दूसरों के वाइब्रेशंस में भी बदलाव आ रहे हैं। तो आप सोचिए, घर में जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनमें बदलाव नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। इसीलिए सबसे पहले ध्यान करने की अगर किसी को भी ज़्यादा ज़रूरत है तो वो हमें है। मैं आपको एक और इससे रिलेटेड एक किस्सा बताता हूँ। मैं एक रेकी मेडिटेशन सीखने गया था और हमारे साथ में एक लेडी थी, और उनकी एज होगी शायद कुछ करीबन 55 to 60 के एज में थी। और वो रेकी, 2 दिन हमें वहाँ रहना था, हमने रेकी सीखा, मेडिटेशन किया, ध्यान किया। और अचानक जब वो ध्यान कर दीक्षा लेकर जा रही थी, हमारे जो गुरु थे उनके सामने रोने लगी। तो गुरु जी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि देखिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपने हमें यहाँ सिखाई है, ध्यान धारणा रेकी, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी सीखे। तो गुरु जी ने पूछा कि आप क्यों चाहती है वो सीखे? उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा बेटा जो है गलत संगत में पड़ गया है, उसे गलत आदतें लग गई हैं, ड्रग्स की आदत बढ़ गई है, नशा करने लगा है और दिन भर सिगरेट दारू इसमें ही पड़ा हुआ रहता है, तो मैं चाहती हूँ कि उसमें कुछ बदलाव आए। तो गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा उनसे कि मुझे बताइए, क्या वो बच्चा तकलीफ में है? तो माँ ने दो मिनट सोचा कि नहीं, वो तो इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा है। तो बोले, तकलीफ किसे हो रही है इन सब बातों से? तो उन्होंने कहा, मुझे हो रही है।
तो जब आपको हो रही है तो तकलीफ जिसे होती है डॉक्टर के पास कौन जाता है, जिसे तकलीफ हो रही है वही जाता है। तो आप सही जगह पर आई हैं, आप कुछ मत कीजिए, आप अपनी साधना डेली बेसिस पे रोज करिए और आपको बदलाव नजर आएंगे। तो अब वो माता जी को उतना कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बदलाव आएंगे क्या नहीं, उन्होंने लेकिन एक चीज़ अपने गुरु की बात मानी और डेली बेसिस पर साधना शुरू कर दी। अब फॉर्चुनेटली 5-6 महीने बाद जब हम सेकेंड डिग्री, इसमें डिग्रीज होती है रेकी में, तो सेकेंड डिग्री जब मैं सीखने गया तो फॉर्चुनेटली वो लेडी वहाँ पर आई हुई थी। और इस बार भी जब वो आई और आते से ही गुरु जी के सामने अगेन शी स्टार्टेड क्राइंग, उन्होंने कहा अब क्यों रो रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया और वैसे ही रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हमारे बच्चे के अंदर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी साधना पूरी अच्छे से कंप्लीट की और कुछ दिनों बाद 3 महीने बाद हमारा बेटा हमें फ़ोन करके कहता है कि माँ मैं जो है अब ये सारी चीज़ें जो गलत आदतें हैं जो मैंने लगा ली है गलत आदतें जिसे अभी मुझे तकलीफ होने लगी, मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगा माँ, मैं आपकी कसम खाता हूँ। माँ ने सुनकर वहाँ बहुत खुश हो गई, गदगद हो गई। थोड़े दिन माँ ने फिर से अपनी साधना कंप्लीट चालू रखी। थोड़े दिन बाद बेटे का वापस फ़ोन आता है, वो कहता है माँ मैं पता है आपको आज एक सेशन में सेमिनार में गया था, वहाँ पर ना रेकी मेडिटेशन के बारे में बता रहे थे, ध्यान के बारे में, मैं चाहता हूँ माँ तुम भी सीख लो। जैसे ही माँ ने ये सुना वो रोने लगी कि भाई ये तो सच में इफ़ेक्ट है, अगर मैंने अपने मन पर काबू कर लिया, अपने मन को शांत कर लिया तो मुझसे जुड़े हर व्यक्ति में बदलाव आ सकता है। तो ये इतना सुंदर है। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि कभी कभी प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों में नहीं होती, कभी कभी प्रॉब्लम्स हम में ही होती है, हम ही एंजाइटी में, टेंशन में, प्रॉब्लम्स में होते हैं। तो अगर आपकी मनस्थिति खराब है तो आपकी परिस्थिति में जितने भी लोग हैं ना उन पर इफेक्ट होता है। इसलिए शायद कहा जाता है कि मनस्थिति पे काम कीजिए आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, राइट? नॉर्मली हम परिस्थिति से परेशान होकर हम अपनी मनस्थिति बिगाड़ लेते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप अपने मन पर, अपनी साधना पर, अपने मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए, किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलिए और आराम से आपको बदलाव आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं आपके परिवार में उनके अंदर भी देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।